पढ़ क्यों? राधे राधे। और एक मेरी प्रार्थना है आप लोगों से कि अगर जिंदगी के अंदर प्राण जाए तो जाने देना, प्राण निकले ना तो निकलने देना, पर मर जाना, परंतु अपनी बेटी के पैसे कभी किसी से मत लेना। चाहे प्राण निकल रहे निकलने दीजिए, परंतु अपनी बेटी के पैसे कभी मत लेना, क्योंकि बेटी कलेजे का टुकड़ा होता है, पिता के लिए एक राजकुमारी होती है। परंतु क्या करें, लोग तो अपनी बेटियों को बेच के पैसे ले लेते, लोग गंदे लोग होते। दुनिया में सबसे बड़ा राक्षस कौन है जो अपनी बेटी के पैसे लेता है फिर बाद में उसकी शादी करता है? तो उससे बड़ा इस दुनिया में पापी व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। उसके हाथ का पानी पिया हुआ भी बड़ा अपराध लगता है, ध्यान रखना। दूसरे नंबर, आपके एक तरफ आपको कोई फैसला सुना है कि एक तरफ आपको 50 करोड़ रुपए दिए जा रहे और एक तरफ आपका भाई है, तो एक ही चीज बोलना। लोग बोलेंगे एक तरफ 50 करोड़ रुपया, 50 करोड़ चाहिए तो भाई नहीं मिलेगा, भाई चाहिए तो 50 करोड़ नहीं मिलेगा। एक ही बात का ध्यान रखना, 50 करोड़ को ठोकर मार देना, अपने भाई को गले लगा देना, इससे बड़ी दौलत दुनिया में कुछ भी नहीं है। आज कितने लोग है ना बड़े दुखी बैठे हैं। ये आपकी हंसी है ना, सच में रियल हंसी नहीं है, ठीक है? अपने देसी भाषा में कहेंगे थप्पड़ ठोकन पछे मुंडो रातो राखो। आप सचमुच में नहीं हंस रहे हो, क्योंकि आपकी हंसी कोसों दूर चली गई, बहुत दूर चली गई है। सासू मां बनो तो ऐसी सासू मां बनना कि आप रे बिदड़ी 5 दिन रे वास्ते पियर जावे और 3 दिन में रोती हुई वापस आ जाए तो पूछे बेटा क्या हुआ? कि सासू मां मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आपके बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐडा हाउजी बन जाओ, ऐडा मती बन जाओ कि 3 दिन रो कहना 3 महीना पास आवे को नहीं। ऐडा हाउजी मत बन जाओ, वो हाउजी वालों लपड़ो निकाल दो है ने, पर क्या करे, आई एम हाउ। वो डींगड़ो कटा कौन बांधियो, राम जाने। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत गंदा लगता है। आज है ना थोरी बेटी रो कहनो, अगर थोरो जमाई नहीं माने तो थोने कितो गंदो लागे, लागे ना दोरो लागे। नारियल चढ़ाओ भगवान ने कि मार पावनो अच्छो मिलियो, मारी छोरी रो कहनो इस नहीं माने। खुश होते हो? बड़े दुखी होते हो जब आपरी बेटी रो कहनो आप रो जमाई नहीं माने तो कहें के मार पावन हम लखन को नहीं कहवे नहीं कहवे। और जब आप रो बेटो, ध्यान से सुनना इस बात को, कड़वा लगेगा, आप रो बेटो आपरी बिदनी रो कहनो माने उन टेम आपने खारो क्यों लागे? कहीं के ए राम कोनियो मारा बेटा ने वश में कर लियो, ए थोरो भगवान भलो करे थोरी बीदनी रो कहनो बेटो माने तो बेटा ने वश में कर लियो, अन बीदनी थोरी बेटी रो कहनो जमाई नहीं माने तो जमाई पागल है। वाह कृष्णा वाह, कितनी दुनिया मतलब की है महाराज। अरे बेटो बीदनी रो कहनो माने तो थाने राजी रहनो चीजे के कमो कम मारो कहनो तो नहीं माने और मारो बेटो बीदनी रो कहनो तो माने। आज है ना 80% झगड़ा मात पिता की वजह से घर में झगड़ा होता है। कितना कड़वा लगेगा, माफ करना मुझे, क्योंकि मैं बोलता ना मैं सत्य बोल जाता हूँ, फर्क ही तो इसमें हाच बोलना ही क्यों, झूठ बोलना मने नहीं आवे। 80% झगड़ा माँ बाप करावे, भाई भाई रे बीच में, देरानी जेठानी रे बीच में 80% झगड़ो की कर के दो भात रखे। भाई आप रे दो बेटा तो दोनों का शरीर का राखो ना, पर नहीं मारे ओ छोको ओ खोटो। क्यों? ओ कोई विदेशी कंपनी में थोड़ी आयो जो को खोटो है। ऐसे क्यों करते हो आप लोग? ऐसे मत कीजिए। आप रे इन आंगली री चीरो लागी तो आप रो बेटो है, अनट्टे चीरो लागी तो आप रो बेटो है। कदीस दो भाषा मत बोलो, समझ में आई ना? किने बत्तो मती दो किने कम मत दो। उन्होंने कह दो बेटा थोड़े छह चीज को ले लो तो आनंद आवे, पर मारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी साइकोलॉजी, हमारा दिमाग कहां से कहां ले जाके छोड़ देता हम लोगों को। अरे बे बेटा बहु घर में शांति रहे तो उन्होंने रेवण दो। और एक ध्यान रख जो मैं आपने वंदना करूं कि भाई थो तो खुशी नहीं रह सकिया,
थों तो जिंदगी पर टों 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 करता ही रिया ए लायला छोरा छोरी प्रेमु रेवे अनन तो थोड़ा हसन बोलन दो अनन तो थोड़ा हसन फिरन दो मैं तो मेरे बेटे को बहू को कहता हूँ बेटा जितना एंजॉयमेंट करना करके आ जाओ तापन पाछ आजी जो मेरी तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं आएगी तो मारा टाबर मारू कभी बिछड़ेला सवाल ही नहीं रह सके महाराज ये ध्यान रखना पर मैं कहीं क्यों थन कोई ठा पड़े थन कोई ठा पड़े जने अपनो बम बोले के मैं मने एडी ठा पड़े ऊपर ले जान पटको आ बैठा पड़ गई समझ में आ रही कि नहीं आ रही इसलिए ध्यान रखे बच्चे समझदार हो गए हैं एक ध्यान रख जो मैं अपने बहुत कड़वा सत्य बता रहा हूँ बहुत कड़वा सत्य जो आप जिंदगी में कभी सोचा नहीं होगा कि इस कड़वा सत्य से आपके घर में आग कैसे लगती है मर जाइ जो प्राण निकले तो निकल जाइ जो आपरी बीदनी रे हमी आपरा बेटा ने कदीज हका मती कर जो आपरे घर में कदीज भाई नहीं लगेला क्योंकि बीदनी सब सहन कर सके पर आपरे पति रो अपमान वा सहन नहीं कर सके वो चुप जाती है कांटे चुपते उसके कलेजे के अंदर क्योंकि वह सब सहन कर सके आपरे पति रो अपमान भाई छोरा ने कहना तो पर्सनल कह दीजो वह नहीं रेवे जने थो तर क्यारा बाल दीजो लारू ओड़ा दे दीजो पर वह भट्टे रेवे नहीं छाती माते जने छोरा ने हाका नहीं करना वो ध्यान राख जो थोड़े घर में कद्दीज हमें बड़ाई करनी देखो पराई घर की बच्ची घर में आती है विनो मन ऐसो मन लगाओ थो मीठा बोलो ना तो मन लागेला अच्छा बोलो बेटा कहो ना अच्छा कहो मीठे बोलो चाबियां दे दो सब कुछ दे दो बिदनी आवे जने तालो नहीं देवनो पण कहे के छोरी छोरी जा जा ओ दी दो तालो इन ताला ने गळमाए गळा में इस लटकाए दो दूजी की वो तालो इस तो लड़ाई करावे महाराज अन है की कोनी माय की कोनी कागदरा टुकड़ा पड़िया अब बिदनी ने संकारे जे बेटो माय किन की है इन कर तो बढ़िया भाई बिने चाबी दे दो ने इनो जीव तो होरो रेवे पर नहीं बिने चाबी दो मारे बचेट किन चाबी दो मोटोड़े नहीं दो नैन किन नहीं दो अन व्यक्ति ए वान बचेट की कटी गीव रिन ए दोनों लबूर दी तो पचकट जाओ इन कर तो बढ़िया भाई घर ने मंदिर मानो मंदिर तो थोर घर में शांति रहला अब कई लोग के महाराज मोर घर में शांति को नहीं अब बोलो हावड़ गणा जो शांति कोई थोर शांत ही गण नहीं रहे नहीं बोलनी तो आवी को नहीं बोलो तो भाटा भाव तो इस बोलो ए महाराज एजुकेशन का मतलब क्या होता है पढ़ाई का मतलब क्या होता है जिंदगी में वो किसी को तकलीफ नहीं देवे एक ध्यान रखना समय बड़ा कीमती होता है समय निकल गया आज का निकल गया 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे और 3 बजे 4 बजे कल हो जाएगा फंक्शन हो जाएगा फिर 12 महीने निकल जाएंगे फिर बातें चली जाएगी एक जिंदगी में ध्यान रखना अगर आपने अच्छा किया तो अच्छे को लोग रोने वाले बुरा किया तो मन में लास्ट में अंतिम यात्रा में जाए नहीं शमशान घाट में लकड़ी नो की नहीं जने कोई देन मिट्टी कोई कहला मैं मजाक नहीं करूं देन मिट्टी हाँ वो प्रयोग करियोड़ो बेटो वो करना यो कह यूज करेगा इन्हें ही कोई न कोई देन मिट्टी दिखे समझ में आई समय बहुत कीमती होता है अगर 12 महीने की कीमत पूछनी है इन बच्चों से पूछो जो 12 महीने पढ़ाई करते हैं और फेल हो जाते तो बेटा आप रोते हो कि डांस करते हो बच्चे रोते हैं राधे राधे जय श्री कृष्णा अच्छे से जाना भैया और हम लोगों से अगर कोई गलती हुई तो माफ करना राधे राधे जय श्री कृष्णा भगवान ही आपकी यात्रा शुभ यात्रा करे चलो 12 महीने की कीमत अगर पूछनी है इन बच्चों को पूछो क्योंकि 12 महीने पढ़ाई करते फेल हो जाते तो बच्चे बहुत रोते हैं अगर 1 महीने की कीमत पूछनी है उन माताओं बहनों को पूछो जो माता बहन 8 महीने में बच्चे को जन्म दे देती है उसको पूछिए वो 1 महीने के लिए रोती है भगवान के पास में कि हे परमात्मा अगर 1 महीना और दे दिया होता तो शायद मेरा बच्चा मरता नहीं और 1 घंटे की कीमत पूछना उस मरीज को लोग कहते 1 घंटे पहले ये मरीज हॉस्पिटल पहुंच गया होता तो शायद इसकी मौत नहीं होती और 1 मिनट की कीमत पूछनी है उस ड्राइवर को पूछना जो ड्राइवर कहता है 1 मिनट के लिए मेरा ध्यान नहीं भटका होता तो शायद मेरा एक्सीडेंट नहीं होता और 1 सेकंड की कीमत पूछना अपने आप को किसी और को मत पूछना भाई अभी चुनाव आ रहा है बहुत बड़ा पर्व है ये त्योहार है हमारा होली ना मनाओ चलेगा दीपावली ना मनाओ चलेगा पर अपने
जो मत का विचार है ना उसका उपयोग करना जरूरी है, एक ध्यान रखना। और एक सेकंड लगेगी आपको निर्णय करने में, कितना नहीं वोट दे आधो घंटो मशीन चिपी ओटा थोड़ी रहो गई, एक सेकंड ही तो लगेगा, अंगूठा दबाया और काम हो गया वो आपको। देखो मैं किसी पार्टी का प्रचार नहीं करता, मैं यही कहता हूं कि अपने मतदान का उपयोग करो, खारिज नहीं जाना चाहिए। समझ में आई ना? एक दिन तो पर्व मना लो, पांच साल में एक बार आता है, होली दिवाली तो हर साल आ जाते हैं, पर ये पांच साल में एक बार आता है, एक बार तो इस पर्व का आनंद ले लो कि उन दिन अपन थारी मारी करने रो घणो ही टाइम है। एक दिन एक वोट दबाणो आप वोट खारिज नहीं जावे और देश री एक ताकत बनिया करे। बोलिए श्री भगवान की, बोलिए माता पिता गुरुदेव की, कृष्ण कन्हैया लाल की।